गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। चलिए आज हम पढ़ेंगे जीके में, सब्जेक्ट जीके में बर्ड्स नेम फ्लावर्स नेम। पहले कर चुके हो ना बर्ड्स नेम और फ्लावर्स नेम। बर्ड्स नेम आपको पता है, कराए थे ना बर्ड्स नेम? कौन कौन से होता है बर्ड्स नेम बताइए। डक, आउल और पैरट, पिजन, मैना, ये हमारे क्या हैं? बर्ड्स नेम। क्या है बोलिए? डक, डक, आउल, पैरट, स्पैरो, क्रो, मैना, किंगफिशर, ये हमारे क्या हैं? बर्ड्स नेम। आपको ऐसे ही यहाँ पे बर्ड्स नेम यहाँ पे लिखने हैं, राइट? अब फ्लावर्स नेम, फ्लावर्स नेम भी आपको करा चुके हैं पहले। फ्लावर्स नेम में रोज, लोटस, लिली, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, डहेलिया, ये हमारे क्या है? फ्लावर्स नेम। कौन कौन से? रोज, लोटस, लिली, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, जैस्मीन और बताइए जैस्मीन और ये हमारे क्या है? फ्लावर्स नेम। आपको यहाँ पे ऐसे ही फ्लावर्स नेम लिखने हैं। एक में लिख के आपको बता देती हूँ, आपको ऐसे ही लिखना है, राइट? जैसे यहाँ पे बर्ड्स नेम में क्या आएगा हमारा, पहले डी यू सी के डक, फिर आउल, ये हमारे क्या है? बर्ड्स नेम। ऐसे फ्लावर्स नेम में फर्ट्स, एल ओ टी यू एस लोटस, आर ओ एस सी रोज, ऐसी आपको यहाँ पे अपने फ्लावर्स नेम लिखोगे, करोगे ना क्लियर? चलिए ये आपको याद करके लिखने हैं, ओके? करोगे ना? इनको लर्न भी करोगे और लर्न करने के बाद अपनी नोटबुक में लिखने हैं आपको विद स्पेलिंग। पहले स्पेलिंग आप अपने याद करोगे, फिर अपनी नोटबुक में लिखोगे। ऐसे फ्लावर्स नेम पहले लर्न करोगे, फिर यहाँ पे इसको लिखोगे। करोगे ना सब बच्चे? गुड, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश में यूज ऑफ दिस दैट, यूज ऑफ दिस दैट बताया था मैंने आपको। दिस और दैट कहाँ लगता है? जो चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए दिस लगाएंगे, जो चीज़ हमसे दूर रहती है उसके लिए दैट लगाएंगे। अब जैसे मेरे पास ये है, ये है, अब यहाँ पे मैंने बनाई बॉल, क्लियर? यहाँ पे क्या बनाई मैंने? बॉल। अब बॉल हमारे पास है या दूर है? पास है, तो पास के लिए क्या लगाएंगे? दिस। अब काइट कहाँ है हमारे से? दूर है, तो काइट, हमने ये काइट बना दी, क्लियर? अब काइट हमसे पास है या दूर है? दूर है। अब कैप, कैप हमारे पास है, क्लियर? अब डक, डक हमसे कहाँ पे है? दूर है डक। ऐसे आपको डक ऐसे ये डक, फिर यहाँ पे बना हुआ बैट, ऐसे बनाना आपको, सही? और यहाँ पे क्या बनाओगे आप? ट्री, ट्री बनाना है। फिर आपको क्या बनानी है? बुक। अपनी कॉपी में पहले आपको ऐसे बनाना है, अपने आप प्रैक्टिस करना बनाने की। एक है फिश, और यहाँ पे आपको क्या बनाना है? फ्लावर, और यहाँ पे एप्पल, आपका ऐसे काम हो जाएगा। अब चलिए अब देखिए, फिश यूज ऑफ दिस दैट, बॉल का हमारे
पास है, बॉल का हमारे पास है, तो पास के लिए क्या लगाएंगे? दिस। जो चीज़ हम छू सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, उसके लिए दिस, और जो चीज़ हम पकड़ नहीं सकते, हमसे बहुत दूर होती है, उसके लिए दैट। दिस दैट, जो चीज़ हम छू सकते हैं उसके लिए क्या लगाएंगे? दिस, और जो चीज़ हम छू नहीं सकते उसके लिए दैट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? दिस इज ए बॉल। क्या आएगा यहाँ पे? दिस पास में है ना, तो पास के लिए दिस इज ए बॉल। बोलिए दिस इज ए बॉल। अब दिस की स्पेलिंग आपके ऊपर लिखी हुई है, टी एच आई एस, दिस। दिस इज ए बॉल। डैश इज ए काइट। अब ये क्या है? काइट। काइट कहाँ है? दूर है, तो दूर के लिए दैट। दैट इज ए काइट। अब दैट की स्पेलिंग आपके ऊपर लिखी हुई है, टी एच ए टी, दैट। दैट इज ए काइट। बोलिए दैट इज ए काइट। अब कैप कहाँ है? बोलिए कैप पास में है, तो पास के लिए दिस। दिस इज ए कैप। दिस इज ए कैप। दिस इज ए कैप। अब डक। डक कहाँ हमसे? दूर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बोलिए दैट। टी एच ए टी, दैट इज ए डक। दैट इज ए डक। ये क्या? बैट। बैट कहाँ है? पास में है, तो पास के लिए दिस। दिस इज ए बैट। दिस इज ए बैट। अब ये क्या है? ट्री। ट्री कहाँ है? दूर है, तो दूर के लिए दैट इज ए ट्री। दैट इज ए ट्री। बुक। बुक को हम पकड़ सकते हैं। दिस इज ए बुक। पास में है, तो पास के लिए दिस। दिस इज ए बुक। दिस इज ए बुक। अब ये क्या है? फिश। फिश कहाँ है? दूर। फिश कहाँ रहती है? पानी में, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? दैट। दैट इज ए फिश। दैट इज ए फिश। ये क्या है? फ्लावर। फ्लावर को हम छूते हैं, पकड़ लेते हैं, पास में रहते हैं, तो दिस इज ए फ्लावर। दिस इज ए फ्लावर। अब एप्पल। एप्पल कहाँ है? दूर। दैट इज एन एप्पल। दैट इज एन एप्पल। आया समझ में आपको? एक मैं करके बताती हूँ, फिर आपको ऐसे ही अपनी नोटबुक में इस काम को करना है। क्लियर? पास के लिए दिस, के लिए दैट। पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट। अब पास में क्या हमारे? बॉल। बॉल, दिस इज ए बॉल। अब काइट का हम से? दूर, तो काइट के लिए क्या लगाएंगे? दैट। सही। अब ये क्या है? कैप। तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस। डक के लिए डक का हम से? दूर है, तो दैट। बैट। बैट को हम पकड़ सकते हैं ना, तो बैट के लिए लगाएंगे हम दैट। दिस। ट्री के लिए दैट। बुक, दिस। फिश, ऐसे करके दोबारा बता रही मैं आपको, सही है? फ्लावर्स, एप्पल, ये आपके हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है किसके लिए क्या आएगा। ये आपकी पिक्चर्स हैं। अब आपको अपना आप देखना है, जो चीज़ पास है उसके लिए दिस, और जो चीज़ दूर है, हमसे दूर है, उसके लिए दैट। जो चीज़ हमसे पास में है उसके लिए दैट। क्लियर करोगे? दिस इज ए बॉल। दैट इज ए काइट। दिस इज ए कैप। दिस इज ए कैप। दैट इज ए डक। दैट इज ए डक। दिस इज ए बैट। दिस इज ए बैट। दैट इज ए ट्री। दैट इज ए ट्री। This is a book. This is a book. That is a fish. That is a fish. This is a flower.
दिस इज ए फ्लावर और दैट इज एन एप्पल. आया समझ में? दिस और दैट, जो चीज़ हम पकड़ सकते हैं और जो चीज़ हमारे पास रहती है उसके लिए दिस, और जो चीज़ हमसे दूर रहती है हम उसे पकड़ नहीं सकते उसके लिए दैट. आया समझ में? अब देखो, जो चीज़ पास है ये चीज़ हमारे पास है, इसके लिए क्या लगाएंगे? दिस. और ये चीज़ हमसे दूर है तो इनके लिए दैट. पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट. क्लियर? ओके. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आज हिंदी में हम सही मात्रा लगाएंगे, जो इन शब्दों पर सही मात्रा लगती है वो हम यहाँ पे लगाएंगे. क्लियर? अब देखिए, सही मात्रा लगाओ क्या है? सही मात्रा लगाओ. अब ये मात्रा कौन सी है? ये मात्रा आपको पहचाननी है. ये है आ की, छोटी ई की, बड़ी ई की और ऊ की. आ की, छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटे ओ की. अब देखिए यहाँ पे कै डैश जैन ले, तो क्या आएगा? आपको बताना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे किसकी आवाज़ निकलेगी. अगर हम यहाँ पे ई लगाएंगे कोई शब्द नहीं बनेगा, बड़ी ई लगाएंगे कोई शब्द नहीं बनेगा. बस आपको पहचानना है कि छोटे की मात्रा और बड़ी की मात्रा और आ की मात्रा कहाँ पे लगती है. आ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है, और छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, और बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है. सही है? बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद और छोटे की मात्रा व्यंजन के नीचे. बस आपको इतना ध्यान रखना है, आ की मात्रा व्यंजन के बाद, छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले, और बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद, और छोटे की मात्रा व्यंजन के नीचे लगानी है. क्लियर? आया था सबको समझ में? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या, ये कै व्यंजन है, जैल है. अब ई की मात्रा नहीं लग सकती है, रॉन्ग बनेगा. सही है? तो यहाँ पे क्या बनेगा? कै आ जैल काजल, कै आ जैल काजल. ए पे न आ अपना, ए पे न आ अपना. टे में आ टेरे टमाटर, टे में आ टेरे टमाटर. चे आ वेले चावल, चे आ वेले चावल. पे आ गेले पागल, पे आ गेले पागल. ए आ देरे आदर, ए आ देरे आदर. अब देखिए ये व्यंजन से पहले, छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगेगी. ते ई लेके तिलक, ते ई लेके तिलक. च ई कहने आ चिकना, च ई कहने आ चिकना. कै ई धैर किधर, कै ई धैर किधर. कै व ई ते आ कविता, कै व ई ते आ कविता. कै ई से आने किसान, कै ई से आने किसान. पे ई के न ई के पिकनिक, पे ई के न ई के पिकनिक. पिकनिक आपको अलग अलग करके पढ़ना है, पहले पे ई के पिक, फिर न ई के निक, तो क्या बन जाएगा ये? पिकनिक. ऐसे ही रे ई में रिम, झे ई में झिम, तो पूरा क्या बनेगा? रिम झिम. अगर आपको नहीं आता पढ़ना तो आप पहले दो दो करके इसको पढ़ोगे, र ई में रिम, झ ई में झिम, रिम झिम. ब ग ई य आ बगिया, ब ग ई य आ बगिया. है ई से आब हिसाब, है ई से आब हिसाब. मैं छ ल ई मछली, मैं छ ल ई मछली. ए मैं ई रे अमीर, ए मैं ई रे अमीर. न कह ले ई नकली, न कह ले ई नकली. कै कह रे ई ककड़ी, मेरे साथ बोलते रहे ना आपको, कै कह रे ई ककड़ी. द ई पैके दीपक, द ई पैके दीपक. से आ रे ई साड़ी, से आ रे ई साड़ी. जे ई भे जीभ, जे ई भे जीभ.
न ल ई न ली, न ल ई न ली, ल क र ई लकड़ी, ल क र ई लकड़ी। अब देखिए ये थी तुम्हारी बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद लगेगी। अब यहाँ पर देखिए, अब ये लाइन कहाँ है, व्यंजन के नीचे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मात्रा लगानी है नीचे। अब नीचे कौन सी मात्रा लगाओगे आप, छोटे उ की। ब उ ख आ रे बुखार, ब उ ख आ रे बुखार, स उ न न आ सुनना, स उ न न आ सुनना, ग उ ल आ बे गुलाब, ग उ ल आ बे गुलाब, च उ ट ई य आ छुट्टिया, च उ ट ई य आ छुट्टिया, स उ प आ रे ई सुपारी, स उ प आ रे ई सुपारी, ग उ मैं गुम, स उ मैं सुम। अब गुम सुम, ग उ मैं गुम, स उ मैं सुम, गुम सुम, द आ त उ न दातुन, द आ त उ न दातुन, स आ ब उ न साबुन, ब उल बुल, ब उल बुल, तो क्या बनेगा, बुलबुल। अब आपको बस ये ध्यान रखना है व्यंजन का कि मात्रा कहाँ पे लगानी है। यह आ की, छोटी ई की, बड़े उ ई की और ये ओ की, ये आपकी मात्रा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा स प न डैश। अब यहाँ पे आपको मात्राएं बतानी है कौन सी मात्राएं लगेगी। क्लियर, अब आपको मैंने बता चुकी हूँ कि ये मात्रा कहाँ पे लगती है और ये वाली मात्रा कहाँ पे लगेगी, सही है। अब यहाँ पे है स स प न आ आ, तो यहाँ पे कौन सी लगेगी, ये वाली आ की व्यंजन के बाद। स प न आ सपना, अब न से व्यंजन से पहले, व्यंजन से पहले कौन सी मात्रा लगती है हमारी, छोटी ई की, तो न ई, न ई कैले आ निकला। अब व्यंजन के बाद कौन सी लगती है, बड़ी ई की, व्यंजन के बाद कौन सी मात्रा लगती है, बड़ी ई की, तो ब प न ई रे पनीर। अब स, स के नीचे मात्रा है ना, तो जब यहाँ पे स के नीचे मात्रा है तो कौन सी लगेगी, यहाँ पे छोटी होगी, स उ मैं न सुमन। अब यहाँ पे बताइए कौन सी मात्रा लगेगी, आपको बताना है ये, क्योंकि आपके पेपर में भी ऐसी आपको आएंगे, आपको अपने आप समझ करके लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी मात्रा आएगी। क्लियर, ये अब बताइए यहाँ पे बे पे कौन सी मात्रा आएगी, पहले इसको पढ़ना है, ए ख बे आ रे अखबार, तो आ की है तो आ में क्या आता है, एक लाइन, तो क्या बन जाएगा, ए ख ब आ रे अखबार। अब देखिए मैं, अब मैं व्यंजन के बाद है, मैं व्यंजन के बाद लगे ना लाइन, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ई की, ये वाली मात्रा, ए मैं ई रे अमीर, ए मैं ई रे अमीर। अब देखिए तय, तय के व्यंजन से पहले, तय व्यंजन, ये व्यंजन है और व्यंजन से पहले लाइन है, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा लगाएंगे हम, छोटी ई की, तो क्या बन जाएगा, तय ई ल के तिलक। अब व्यंजन के नीचे नीचे लाइन है, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा लगाएंगे हम, छोटे ऊ की, तो क्या बन जाएगा ये, ध न उ श धनुष। कर लोगे ना इतना काम, करोगे ना, क्लियर, क्योंकि फिर आपको मात्रा लगानी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क आ जल काजल, च आ वैल चावल, च ई क न आ चिकना, ब ग ई य आ बगिया। मैं कुछ मात्राएं बता रही हूँ आपको, ए म ई रे अमीर, सही है, द ई प के दीपक, ब उ ख रे आ रे बुखार, ग उ ल आ बे गुलाब। अब देख ऐसे ही आपको मैंने देखो कुछ कुछ मात्राएं आपको बता दी है, आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में ये मात्राएं लगानी है। क्लियर, ये मात्राएं मैंने बताई है ना आपको, कुछ बता दिया कि आपकी मात्रा कैसे लगाएंगे, छोटी ई की कैसे लगाएंगे, बड़ी ई की कैसे लगाएंगे और छोटे ऊ की कैसे लगाएंगे। करोगे इस काम को, चलिए, थैंक यू।